साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज साथियों बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। दुबई में क्या कोरोना के अपडेट हैं, गवर्नमेंट ने क्या आप लोगों के लिए सहूलियत की है कि आराम से आप घर बैठे वहां जाओ, जहां बैठे वहीं से आपके दिन आराम से कट जाएंगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आगे वीडियो में। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी विदेश से रिलेटेड रोज़ मिलती रहे। तो चलिए साथियों आज शुरुआत करते हैं दुबई से रिलेटेड। तो भाई दुबई में कोरोना के क्या अपडेट हैं, तो साथियों कोरोना की दुबई की स्थिति थोड़ी अभी मुझे लग रहा है कि नाजुक होती जा रही है, क्योंकि कोरोना की स्थिति यह है कि बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। मरीजों की संख्या कोरोना अपडेट आज की डेट में अगर देखा जाए 20 अप्रैल में 7000 प्लस अभी तक हो चुकी है, 50 के करीब डेथ हो चुकी हैं जिनमें से 1200 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। दुबई से रिलेटेड न्यूज़ है जो मैंने आज 20 अप्रैल तक की आपको बताई है। अभी अब मैं बात करूंगा साथियों कि अगर दुबई में आपको पता भाई लॉकडाउन है जिसको बढ़ा के 7 दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसको 28 दिसंबर तक कर दिया गया है, आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं लगातार, ये बीमारी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ले रही है, इसलिए लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है दुबई में भी। आप लोग दुबई में आपको पता होना चाहिए अभी स्थिति क्या है कि आने, चलो लोकल दुबई के उनकी बात नहीं करते, लेकिन बहुत करोड़ 1 करोड़ की समथिंग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल की पॉपुलेशन वहाँ पे है, जो मजदूर टाइप के आदमी हैं, जो बिजनेसमैन, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, और जो और वर्कर हैं जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, या फिर उनके पास खाने की प्रॉब्लम तो आने वाली है नो डाउट। लेकिन अभी खुशखबरी यह है साथियों कि 24 से आपके रमज़ान महीना जो मुस्लिम इस्लाम में पाक महीना होता है वो आने जा रहा है, आज से 4 दिन बाद में वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी अपडेट वहाँ आप लोगों के लिए दी है साथी, यूएई के जो राजा हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद मक्तूम, जिनका नाम पूरा बहुत लंबा चौड़ा नाम अपने लिए तो लेना भी इजी नहीं होता, उन्होंने आज की डेट में अपने ट्विटर अकाउंट में, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उस पर घोषणा की है। मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में डाल दूंगा। इस्लाम धर्म में जो रमज़ान का महीना वो पाक होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि कुछ दान धर्म, जिसको खैरात भी बोल सकते हैं, वो देने की कोशिश करते हैं। तो अभी राशिद साहब ने वहाँ के जो दुबई के राजा हैं उन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ यानी 1 करोड़ खाने के पैकेट दुबई पूरी यूएई में बांटे जाएंगे। जो भी गरीब हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है उन लोगों को बांटे जाएंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है 20 अप्रैल की। जी हां साथियों, और 1 करोड़ पैकेट का मतलब आप समझ सकते हैं साथियों कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश जितने भी बंदे हैं ना, आराम से आपको खाना मिल जाएगा। उसमें किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का बंदा हो, कोई धर्म पूछ के खाना वहाँ पर पैकेट नहीं दिया जाएंगे। आराम से आपको 24 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट ने बड़ी घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है या खाने के पैसे नहीं है उनके लिए बेस्ट है 1 महीना आराम से आप बैठ के खाना। अगर लॉकडाउन लंबा चल जाता है, खुदा न खास्ता कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आपको खाने की भाई परवाह नहीं करनी है। यूएई गवर्नमेंट आपको, दुबई गवर्नमेंट जो राजा शेख हैं उन्होंने घोषणा की है कि भाई हमारी तरफ से 1 करोड़ खाने के पैकेट बांटे जाएंगे रेगुलर 1 महीने तक। तो 1 करोड़ पैकेट बहुत बड़ी पॉपुलेशन है साथियों, तो आप समझ लीजिए कि दुबई के वो लोग हैं उनको तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बाहर के गैर मुल्की हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश के बंदे वहाँ पे रह रहे हैं, तो खाने की उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। और ये पूरा ठेका उनकी, ये मान लीजिए उनकी वाइफ हैं अलिया बिन हल मक्तम, ये उनकी देख रेख में पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरा ऑपरेशन फॉलो होगा और ये उनके अंडर में ये पूरा काम रहेगा। और यूए गवर्नमेंट ने घोषणा की है भाई अगर कोई दानदाता है, एक खाने का पैकेट का लगभग 8-10 दराम खर्चा आएगा, अगर 10 दराम से ऊपर कोई भी आप लोग दान देना चाहें गवर्नमेंट फंड में या फिर जो रमज़ान का पाक महीना है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग से अकाउंट नंबर दिए हैं, वो आप अपने स्तर पर पता कर लीजिए। जैसे इंडिया में लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं वो देना चाहते हैं जो रमजान का पाक महीना होता है उसमें, तो आप भी अगर देना चाहो तो यूएई गवर्नमेंट को सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा तो साथियों लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पहल की है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से कि भाई बंदे को रहना तो जहां तक मिल जाता है कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की, बंदा खाना कहां से खाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने सख्त नियम करके जो रोज के पास मिलते थे उनको भी 3 दिन से कर दिया, आप रोज बाजार पास लेके भी आप रोज बाजार नहीं जा सकते, ये सख्त नियम करती वहां पे। लॉकडाउन सख्त हुआ क्योंकि 7000 प्लस कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज है, आपके लिए मैं इतनी जानकारी देना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड, तो भाई खाने की प्रॉब्लम आप जो दुबई में रह रहे हैं उनके नहीं होगी,
24 दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज़ आपके रहेगी, बाकी आप अपने स्तर पे भी इस बात की इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।